नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको हरियाणा का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं और गन्नौर विधानसभा में भी मेरी मौजूदगी है। यहां पर राजनीति में ट्विस्ट आया, देवेंद्र कादियान का भारतीय जनता पार्टी से टिकट कट गया, अब वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अब आखिरकार क्या उनके समर्थक जो हैं वो उनके साथ रहेंगे जो पार्टी के थे, या फिर वो मन बदल लेंगे, उसी को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार यहाँ की जनता किसकी सरकार चाहती है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर निर्दलीय। सीधा लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? वीरेंद्र सिंह राठी। राठी साहब, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार आप बना रहे हैं? सरकार तो पता नहीं हमने किसकी बनाए, हरियाणा में कांग्रेस बनाए, बीजेपी बनाए, किसकी बनाए, लेकिन गन्नौर हल्के का हम थोड़ा ज्ञान सा है। अब शायद भाई देवेंद्र कादियान जी जो ना ज्यादा रह जाए। अच्छा, तो शायद ही है अभी भी या फिर कुछ संशय मन में? हम तो अपना ज्यादा मान रहे हैं, ज्यादा है। हाँ, तो क्या कुछ समीकरण लेकर आप चल रहे हैं? बस कुछ नहीं है, समाज सेवी है। हाँ। समाज सेवी के कारण जो ना हम इसके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, समीकरण क्या रहेंगे? जैसे कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी कह रहे हैं, वो भी दमदार प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से वो भी दमदार प्रत्याशी हैं। दोनों प्रत्याशी पब्लिक ने बरत चुके हैं। अच्छा। अगुन का नु पता है भाई ये क्या हर क्या नहीं है, ये एक नया है और नए चेहरे के बारे में कोई गलत बात तो है नहीं, अच्छाई है इनकी तो समाज के बारे में, तो इनका तो आगे भविष्य मायने के बाद पता चलेगा ये ठीक है या गलत है। ठीक होंगे तो लंबी रेस का घोड़ा आगे भी कामयाब रहेगा, गलत होगा तो आगे इसने छोड़ देंगे। जनता की बार जो है मौका देना चाहती है, मौका देना चाहती है इसको, दोनों को हटाना चाहती है कि इसने मौका दे दो। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि भाई ये कुछ रहे नहीं है अभी तो, लेकिन फिर भी लोगों के बीच रहे, कुछ काम वाम किए, क्या काम आपको अच्छे लगे? देखो, एक तो पूरे हल्के में 10 एम्बुलेंस छोड़ रखी है, कहीं भी कोई बीमार हो जाए फोन करो और तुरंत उसको लेकर जाते हैं। जहाँ की गाड़ी के 2-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये किराया लगा, किसी का कोई पैसा नहीं। हर गाँव में अड़ंगा उठाने के लिए ई रिक्शा छोड़ रखी है, अड़ंगा उठाओ। बूढ़ों के लिए हरी शहर में रिक्शा, भाई को बूढ़ा आदमी दुखी ना हो, उसे किराया नहीं लेना। फिर हमारे जहाँ 7 साल से 8 साल से जो भी बच्चा 10वीं 12वीं में पहले दूसरे नंबर पर आता है, पहले वाले को स्कूटरी या कुछ नाम देते हैं, दूसरे वाले को लैपटॉप या फोन फान कुछ देते हैं। और फिर ये कोचिंग सेंटर है, उसमें लड़कियों को बगैर पीछा कोचिंग दवाते हैं। जो मेधावी छात्र हैं उनका भी सम्मान करते हैं, सब क्या सम्मान करते हैं, बूढ़ों का भी करते हैं, और कोई भी कई संस्था है या कुछ है उनका भी सम्मान करते हैं। मैं जाट धर्मशाला गन्नौर से प्रधान हूँ। मैंने आज से 6-7 महीने पहले इस भाई से कही कि भैया हमारी दाट धर्मशाला इसमें कुछ कर दे। इसने हमारे को अपने घर से अपनी मेहनत कमाई से 5 लाख रुपये दाट धर्मशाला को दिए, दान कराया। तो हम तो एक बात हो, इसको जब ये बना बने इतने काम कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बनने बाद शायद हमारे और ज़्यादा पब्लिक के काम आओगे। और सारी धर्मशाला में दिए, मेरा थोड़ा ऊंचा सुना बेटा इधर से, मैं तेज बोल लूँगा, कोई तो बोल लो। अच्छा, आप बताइए जी, क्या नाम हुआ आपका? सतवीर कादियान। सतवीर कादियान जी, आप तो देवेंद्र कादियान के साथ? हाँ जी, बिल्कुल भतीजा है। अच्छा, तो ये बताइए क्या काम वाम कर दिए इन्होंने? जनता कह रही है कि भाई अब की बार ये सही रहेंगे। काम है ये बोल रहा है, जब पब्लिक आम जनता इसके साथ है तो ये काम की वजह से है। इसने बगैर काम बगैर बने हुए ऐसे काम कर दिए जो पब्लिक इसके साथ चल रही है। ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्यों चल रही है। जो ऐसे बड़े बड़े नेता सामने खड़े हैं मैदान में, बाहुबली हैं, उनके पीछे क्यों नहीं जा रही जनता? हम मानते हैं बाहुबली, बाहुबली तो है ही, बाहुबली हैं, बढ़ते हुए हैं, बड़े बड़े सरमाएदार हैं। ये गरीब का बच्चा है, गरीब किसान का बच्चा है, इसके पीछे पब्लिक क्यों लग रही है? ये ऐसी क्या बात है इसके अंदर? ये तो सरकार में भी नहीं, आज़ाद उम्मीदवार है, अजूम को आप देखो। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़ना कोई आसान नहीं होता, और जिस तरीके से पार्टी का सिंबल पहले साथ में लेकर चल रहे थे, एक टिकट कट गया वहाँ से, तो अब कैसी फाइट मान रहे हैं, किस तरीके का माहौल? देखो, पहले भी इस हल्के से 3 या 4 बार आज़ाद उम्मीदवार बने हैं और अच्छे मार्जिन से बने हैं। ये लड़का भी जब इसका टिकट कटा, लोगों के अंदर रोष हुआ, क्योंकि ये गरीब परिवार का, दलित परिवार का,
छोटे परिवारों का सेवक है, सेवा करता है। प्रधान जी ने बताई, ई रिक्शा की बताई, एम्बुलेंस की बताई, एजुकेशन की बताई, और परिवार को क्या चाहिए, जिस आदमी का मकान गिर गया, गरीब आदमी का, उसका मकान बनवाया, लड़की की शादी है उसमें पैसे दिए, उनका सहारा लगाया, और जो दूसरे फंक्शन है, मंदिर है, गौशाला है, उनमें भी एक दिल खोल करके देता है। सभी बिरादरी की धर्मशालाओं में, सभी बिरादरी की धर्मशालाओं में इन्हें चंदा दिया, दान दिया, सभी बिरादरी को, सभी बिरादरी की धर्मशालाओं में। तो समाज इससे जुड़े हुए हैं, 36 बिरादरी इसके साथ जुड़ी हुई है, एक समाज नहीं है। तो मतलब जिस तरीके से पहले टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, तो अब जो है फाइट कैडी हो गई है, या फिर जिस तरीके का माहौल पहले बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्लस इनका वोट साथ में मिलता तो शायद सीट निकाल सकते थे। ऐसा है, फाइट यहाँ रही नहीं। जब देवेंद्र बेटा ने इंडिपेंडेंट फार्म भराया है, उसके बाद यहाँ से फाइट खत्म होगी। यहाँ किसी नेशनल पार्टी का कोई जनाधार नहीं रहा। हाँ, यहाँ केवल है तो देवेंद्र कादियान है, क्योंकि जनता के सुख दुख में देवेंद्र कादियान काम आता है, और कोई तो यहाँ कि जे मरने पे या वैसे भी कोई नहीं आता। क्यों जाएगी पब्लिक इसके साथ? पब्लिक उसके साथ जाएगी जो जिसके सुख दुख में साथी होगा। आपका क्या नाम? राजेंद्र बोल दिया इन्हें। आप बताइए। राजेंद्र, राजेंद्र मेरा। राजेंद्र जी, ये बताइए क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं गन्नौर विधानसभा? एक तरफ ही है जी, एक तरफ। हाँ जी, आपको क्या काम अच्छा लगा? और तो कैंडिडेट टेक्निक्स कांग्रेस के मुकाबले में, बोलिए बोलिए बोलिए, दूसरे कैंडिडेट टेक्निक्स कांग्रेस के मुकाबले में। एक सेकेंड, ये जो नेता हैं बरसाती, बरसाती नेता हैं, केवल इलेक्शन टाइम के बाद आए, पास आए हैं। यहाँ लोकसभा का इलेक्शन हुआ अभी, बीजेपी कैंडिडेट ने, जो बीजेपी से टिकट लड़ रहा था, लड़ रहा है, इन्होंने कांग्रेस की मदद करी, जो कांग्रेस से लड़ रहा है उन्होंने बीजेपी की मदद करी। हाँ, ये जनता के अंदर रोष है इस बात का, क्यों 2019 में हुड्डा साहब के खिलाफ, हुड्डा साहब क्यों आ रहे यहाँ? क्योंकि मदद नहीं करी उनकी, दिखावा रखा। मतलब और दोनों एक दूसरे की याद करके जनता का पागल बना, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये। एक दूसरे की मदद करते हैं, इनका गेम सेट है, और आगे भी सेट हो सकता है, जैसे जैसे समय आएगा आगे भी दोनों एक हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा राम कुमार खाद्यान्न। राम कुमार जी, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? वो दो एक तरफा है, यहाँ जो कैंडिडेट है ना इस टाइप के, उसमें जो आदमी सेवा कर रहा है इतने साल से, 8-7 साल से, उसकी 10 एम्बुलेंस चल रही है, उसमें स्कूटर दे रहा है बच्चों को, मोटरसाइकिल। लेकिन कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ना और जीतना आसान नहीं होता, इसके लिए ऐसा है, यदि वो बीजेपी से इलेक्शन लड़ता ना, कम वोट आती है, इसका जो है ना 40,000 वोट फालतू आएंगे। टिकट क्यों मांग रहे थे? क्योंकि पार्टी में था तो अधिकार है टिकट मांगने का, ये कोई बात नहीं होती, वहाँ भी आती इसको, यहाँ ज़्यादा आऊँगी, क्योंकि हमारा जो है ना, कैसे आएंगे ज़्यादा, इसलिए आएंगे जो वोटर कांग्रेस को वोट दे रहा था ना, अब वो इसको देगा। हाँ, जो बीजेपी को दे, जो बीजेपी को दे रहा था वो भी इसको देगा। इसको ऐसा है ना, जो आदमी एक जो बात उन्होंने बताई, एक बार बरसाती मंडे का ये क्या है, कुछ आदमी क्या है, जैसे रमेश कौशिक वगैरह, उसका देवेंद्र है, वो कभी बीजेपी दिखे नहीं है, बीजेपी की बुराई करते रहे, फायदा क्या हुआ उस चीज़ का? ये मैं दिखा दूंगा, आप जो है नोट कर लो, ये एक तरफा इलेक्शन है, ये 11 बजे तक ही उनको हरा देगा इलेक्शन, जिस दिन काउंटिंग होगी, ये स्थिति है इसकी। फाइट किससे मान रहे हैं आप? फाइट हमारी है नहीं, दोनों के साथ है नहीं, कोई फाइट है नहीं, फाइट तो जब आ गया ना, एक आदमी 10,000 हार जीत हो रही हो, फाइट यहाँ आप देख लो कितना चल सलाब है, ये तो अच्छा, वो दोनों ऐसे हैं, अब एक क्या उनकी क्या मानसिकता है, उनकी मानसिकता ये है कि वो अपनी सोच है, उन्हें जरूरत होता लोग घुमा जाओ ना, तो कहीं जाओ, ये जो है मरे में जीवन में लड़की, गरीब लड़की की शादी करवानी है उसके बारे में, किसी कोई बच्चा बीमार हो गया, किसी का बच्चा होना है, एम्बुलेंस 5 मिनट में उसके घर, ये बहुत बड़ा मतलब जो है ना सेवा भाव है, ये सेवा भाव से ऐसे राजनीति कर रहे हैं।
तो ये 100%। तो देखिए लगातार हम बातचीत कर रहे थे, ये देवेंद्र कादियान जी के समर्थक हैं, उनके रिलेटिव भी हैं, तो इन्होंने बताया कि आखिरकार किस तरीके का माहौल ये अभी ग्राउंड पर देख रहे हैं और कितने लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही लगातार आगे भी हम आपको अपडेट देंगे और सीधा अब लोगों से बातचीत करवाएंगे कि आखिरकार ग्राउंड जीरो पर क्या माहौल है। जुड़े रहिएगा हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट आपको यूँ ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, राम राम।